चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड की बार्बी डॉल कैटरीना कैफ एक्टर विकी कौशल के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी हैं। 9 दिसंबर के दिन राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित सिक्स सेंसेस फोर्ट होटल में कैटरीना और विकी शादी की बंधन में बंधे थे। शाही शादी की तस्वीरें जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया पर छाई हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि कैटरीना कैफ विकी कौशल के साथ अपने नए आशियाने में भी शिफ्ट हो चुकी हैं। जहां एक तरफ कैटरीना और विकी ने शादी के बाद की सभी रस्मों को पूरा कर दिया है और इसके बाद से वह अपने वर्क कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। कौशल परिवार की बहू बनने के बाद कैटरीना कैफ अपने फैंस को कई गुड न्यूज देती हुई दिखाई दे रही है। रिसेंटली कैटरीना ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है कैटरीना कैफ ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। वेल, कैटरीना कैफ ने हाल ही में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की जानकारी दी है सोशल मीडिया के जरिए। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड की बार्बी डॉल कही जाने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ कौशल परिवार की बहू बनने के बाद अब अपने वर्क कमिटमेंट को पूरा करने में व्यस्त हैं। बता दें आपको, एक्टर विकी कौशल के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद कैटरीना कैफ अपने काम पर ध्यान देती हुई नजर आ रही हैं। विकी कौशल और कैटरीना कैफ शादी के बाद सभी रस्मों को पूरा करने के बाद अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो चुके हैं और इस नए घर में शिफ्ट होने के बाद कैटरीना और विकी अपने वर्क कमिटमेंट को भी पूरा कर रहे हैं। हाल ही में कैटरीना कैफ ने अपने फैंस को एक गुड न्यूज दे दी है। सोशल मीडिया पर कैटरीना ने एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की जानकारी दे दी है। बता दें आपको, कैटरीना कैफ आप सभी को नजर आएंगी फिल्म मैरी क्रिसमस में। जी हाँ, मैरी क्रिसमस की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। कैटरीना ने सोशल मीडिया के जरिए ये अनाउंसमेंट कर दी है। बता दें आपको, कैटरीना कैफ इस फिल्म में नजर आएंगी साउथ की सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ और इस फिल्म की रिलीज डेट को अगले साल क्रिसमस के मौके पर रखा गया है। आज क्रिसमस के खास मौके पर कैटरीना ने अपनी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। कैटरीना ने इस फिल्म के टीम मेंबर्स के साथ की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, नई शुरुआत, सेट पर वापसी, डायरेक्टर श्री राम राघवन की मेरी क्रिसमस के लिए। श्री राम राघवन की मैरी क्रिसमस के लिए मैं हमेशा से ही श्री राम सर के साथ काम करना चाहती थी। वह मास्टर है। जब वह थ्रिलर फिल्मों के नरेशन के साथ आते हैं और उनके साथ काम करना सम्मान की बात है। मैं विजय सेतुपति के साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये फिल्म रमेश दौरानी और संजय राउतरे की द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी। इस तरह से कैटरीना कैफ ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की जानकारी दे दी है। वेल, फैंस के लिए वाकई में ये बेहद बड़ी खुशखबरी है। इस फिल्म के अलावा कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में नजर आएंगी। बात की जाए मैरी क्रिसमस के बारे में, ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होगी। कहा जा रहा है कि 90 मिनट की होगी ये फिल्म और इस फिल्म की शूटिंग मुंबई और पुणे के कुछ हिस्सों में की जाएगी। 23 दिसंबर साल 2022 को ये फिल्म रिलीज होगी और इस फिल्म के शूट अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। आप सभी ने देखा जाना कि कैटरीना कैफ अब आप सभी को फिल्म मैरी क्रिसमस में नजर आएंगी और इस फिल्म के अलावा वह दबंग खान सलमान खान के साथ नजर आएंगी टाइगर 3 में। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।